जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों RAS RPS भर्ती 2024 को लेकर के नई अपडेट आई है। अपडेट ये आई है साथियों कि अब आपके RAS की नई भर्ती आ रही है। जी हाँ साथियों, जो पुरानी भर्ती है 2023 वाली, उसको बहुत जल्द पूरा करवा लिया जाएगा, कंप्लीट करवा दी जाएगी और अब तुरंत ही नई भर्ती का आगाज हो चुका है। जो भी साथी RAS की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है साथियों। RAS जो भर्ती है, ये बिना CET की भर्ती होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई CET VET का लपड़ा नहीं होता है। सब पूरी जानकारी आपको देंगे। 800-900 पदों पे ऊपर ये भर्ती आती है हमेशा, लेकिन अब 500 पदों का आगाज हो चुका है और इसमें दे रखा है कि पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो लमसम हम मान के चलें 800-900 पद हमेशा आते हैं इसमें साथियों। तो पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। जो ऑफिशियल न्यूज आई है, जो खबर आई है, वो भी मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही क्लियर करवा दूंगा, सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है साथियों। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस खबर को देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जो भी खबर आई है वो सारी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो जी, RAS RPS नई भर्ती 2024, RPSC की ये भर्ती होती है। जैसे UPSC में IAS और RA वो बनते हैं ना IPS, ऐसे ही राजस्थान में RPSC भर्ती है। इसमें RAS और RPS बनते हैं। RPS में वर्दी की नौकरी होती है, DSP वगैरह बनते हैं पुलिस प्रशासन में, ठीक है साहब। पद दे रखे हैं 500 से प्लस, बिना CET की भर्ती है, जिसमें महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती की अभ्यर्थना भेज दी गई है साथियों, भजन सरकार ने दे दिए आदेश, नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा और पिछली भर्ती भी होगी बहुत ही जल्द कंप्लीट। जी हाँ साथियों, इसकी पूरी जानकारी को समझेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी खबरें होती हैं, वो साथियों आपको व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप सभी साथी ओमवीर रोजगार के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करें, फॉलो जरूर करें, ठीक है साहब। और लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है इस चैनल, ये जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो साहब, इसकी खबर को देख लेते हैं। जो खबर आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ये रही साथियों आपकी खबर, इसमें देखो जयपुर की खबर है, ताज़ा खबर है 28 अगस्त की। प्रदेश सरकार ने RAS के 500 पदों के लिए RPSC को अभ्यर्थना भेज दी है साथियों, यानी कि सरकार ने RPSC के पास अभ्यर्थना भेज दी है RAS भर्ती की 500 प्लस पदों पर, ठीक है साहब। अजमेर, RPSC को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की अभ्यर्थना सरकार ने भेज दी है साथियों। अब 500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा, यानी कि साथियों इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। बिल्कुल साथियों, आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सेवा के लिए 250 पद, राज्य सेवा का मतलब होता है साथियों सिविल सर्विस, जिसमें तुम्हारे SDM साहब होते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, ठीक है, और भी जो सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं तहसील में, और तुम्हारे SDM कार्यालय SDM, वो सारे सिविल सर्विस में आते हैं, तो 250 पद इनके दे रखे हैं। अधीनस्थ सेवाओं के लिए 250 पदों की अभ्यर्थना मिली है और इसमें आते हैं साथियों, अधीनस्थ सेवा में आता है पुलिस विभाग, वर्दी वाली नौकरी, ठीक है। पुलिस विभाग में जैसे तुम्हारे DSP वगैरह बन जाते हैं, ये जिनको आप डिप्टी साहब बोल देते हैं, पुलिस वरिष्ठाधिकारी बोल देते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है साहब। और इन्हीं पदों में जैसे पुलिस में और भी अच्छे खासे पद होते हैं, एक तुम्हारे जैसे भाई वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स विभाग हो गया, आबकारी विभाग हो गया, दारू पकड़ने वाले हो गए, इनमें साथियों बड़े बड़े पदों पर आप स्टारधारी बनते हो, ठीक है साहब, RAS भर्ती के थ्रू। वैसे कॉन्स्टेबल वगैरह नहीं बनते हैं इसमें, सीधे अधिकारी बनते हैं साहब, RAS परीक्षा फाइट करते हो तो, ठीक है जी। परीक्षण के बाद इसे फुल कमीशन में रखेगा, हरी झंडी मिलने के बाद ही आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा और पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि आप मान के चलो साथियों 800 से 900 पदों पर आपकी ये भर्ती आती है, हमेशा इतने पद आते हैं साथियों, 1000 के लगभग इसका आंकड़ा रहता ही रहता है, ठीक है जी।
राज्य की भजनलाल सरकार की यह पहली आरएएस परीक्षा होगी, यानी कि इनकी तो सरकार में अभी आई है, पहली बारी आ रही है। अच्छा, बाकी तो पहले आई आ चुकी हैं। इससे पूर्व 2023 तक की आरएएस भर्तियां कांग्रेस के शासनकाल में निकली थी, लेकिन अब तो ये इनकी तो पहली ही साथियों, इनके शासन में तो पहली बारी आ रही है। अभी आरएएस 2023 की भर्ती प्रक्रिया जारी है, मुख्य परीक्षा हो चुकी है और इसके परिणाम के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी साथियों। यानी कि जो आरएएस 2023 है उसका मेंस हो चुका है साथियों। क्या हो चुका है? मेंस हो चुका है। अब इसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। और जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा साथियों? इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में जैसे ही फिनिश काम हो जाता है उसके बाद में फिर ये भर्ती पूरी हो जाती है और तुरंत फिर नई भर्ती का आगाज हो चुका है, नई भर्ती आने वाली है। ठीक है साहब, ये सारे के सारे जो भी खबरें हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी गई हैं, सभी साथी आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, तो आगे की बात यह है साथियों कि इसमें जो होता है तुम्हारी योग्यता वगैरह उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें साथियों क्या होती है योग्यता? योग्यता मैं अगर आपको बता दूँ तो इसमें स्नातक होता है। ठीक है साहब, ऐसा नहीं है कि साहब हम 12वीं पास हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, ना, इसमें तो स्नातक चाहिए भाई। स्नातक अगर फाइनल ईयर में चल रहे हो ना, जैसे बीए बीएससी वाला फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो भी फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। और इसमें मुख्य परीक्षा, प्री परीक्षा, इंटरव्यू होता है। पहले तो प्री, फिर होता है साहब मेंस। अब मेंस में एक ही पेपर नहीं होते, चार पेपर, मेंस के बाद में फिर आपका इंटरव्यू। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपका ये सिलेक्शन होता है और फिर आप अधिकारी रेंज में बढ़ते हो। ऐसे नहीं है कि सब छोटे मोटे बन जाएंगे, चपड़ासी उपड़ासी बना देंगे मानना। आरएएस परीक्षा मेंस प्री क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन जैसे ही होता है आप बहुत बड़े अधिकारी रेंज में जाओगे, चाहे सिविल सर्विस मिले चाहे आपको वर्दी वाली मिले, अधिकारी ही कहलाओगे उसमें। ठीक है साहब, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। और सीईटी का कोई लपड़ा है ही नहीं अपने, आराम से तैयारी करो, बढ़िया तरीका से पढ़ता रहो। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इसमें, भीड़ वैसे हो सकती है, फार्म भरवाड़ा के थे जानो आजकल हर चीज़ में भीड़ मिलेगी, लेकिन तैयारी वाला तो स्पेशल ही मिलेगा। वैसे फार्म्स के लिए आप डरो मत कि फॉर्म इतने लाख आ गए इतने आ गए, आपकी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी और उसके अंतर्गत जो मेंस परीक्षा दोगे उसमें देखना आप इंटरव्यू में बहुत संख्या कम हो जाती है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकल हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।